जी सर, आपको दिल से स्वागत करते हैं और हिंदी के एक नए अध्याय में आज हम आगमन करते हैं। और पाठ 3 है जयशंकर प्रसाद, जिसके बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं। उनसे संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनको हम लोग देखने के लिए। पहला प्रश्न है कि झरना काव्य ग्रंथ की कवि है। झरना काव्य ग्रंथ की कवि है तो जयशंकर प्रसाद, यानी जो झरना है उसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। कमायनी के रचयिता हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कमायनी के रचयिता हैं तो उत्तर होगा कमायनी महाकाव्य, यानी जयशंकर प्रसाद कमायनी के रचयिता। जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य है कमायनी है, याद करो सब लोग। देखो कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि कमायनी रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद, या आप जैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे हुए एक महाकाव्य का नाम बताइए, तभी आप कमायनी ही बताएं। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया काव्य है तो काव्य में आंसू छाया पिशा तितली आंसू आते। चित्रधार के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं तो चित्रधार हैं। चित्रधार की रचनाकार अगर आपसे पूछ रहा है तो भी आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद। अगला कहता है किसी काव्य की रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा नहीं की गई है, लाल लिखे हैं धरना लिखे हैं, यशोधरा इनकी रचनाएं नहीं है, यशोधरा को लिखने वाले हैं मैथिली सेना गुप्त। तो इस तरीके से कुछ जयशंकर प्रसाद के बारे में जाने हम लोग। आप बता सकते हैं जयशंकर प्रसाद के जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था, काशी में ही हुआ था। जयशंकर प्रसाद के जन्म 1890 ईस्वी में काशी में हुआ था और 1937 ईस्वी में मर गए थे। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो कि बहुत उदार व्यक्ति थे, समाज की सेवा करते थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और इस तरीके से ये आज की जो समाप्त।